आचार्य कल्प पंडित टोडेन्द्र जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं। आठवें अधिकार की चर्चा चल रही है। चार अनुयोग का स्वरूप, उपदेश का स्वरूप क्या है, उसकी बात पंडित टोडेन्द्र जी बता रहे हैं। सबसे पहले तो द्रव्यानुयोग के आश्रय से ज्ञानी बने, फिर चरणानुयोग के आश्रय से क्या बने, व्रती बने, कर्णानुयोग के आधार से परिणाम सुधरते हैं, और वही जीव प्रथमानुयोग के अनुसार क्या बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। चार अनुयोग अभी फिर से बताएंगे। फिर क्या कहा, द्रव्यानुयोग के आधार से क्या बनते हैं, ज्ञानी, चरणानुयोग के आधार से व्रती, कर्णानुयोग के आधार से परिणाम सुधरते हैं, और वही जीव प्रथमानुयोग के आधार से क्या बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। ऐसे अपन ये चार अनुयोग की चर्चा कर रहे हैं। उपयोग को पर से विषयों से हटाए और उपयोग को कहां लगाओ, इन चार अनुयोगों को पढ़ने में लगाओ, क्योंकि इन चार अनुयोगों को पढ़ने में लगाएंगे तो पर की रुचि टूटेगी और आत्मा की रुचि बढ़ेगी। अनादि से किसकी रुचि है, पर की रुचि। उपयोग को पर में मत फैलाओ, उपयोग को पर से समेटो। अनंत बार दुकान समेटी, अनंत बार घर समेटा, अनंत बार अनंत काम समेटे, पर क्या नहीं सिमटा, उपयोग नहीं सिमटा, उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ, उपयोग शुद्धात्मा की तरफ नहीं ढला, इसीलिए आज तक प्रयोजन की सिद्धि नहीं, आनंद नहीं आया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति देखा देखी का मार्ग नहीं। क्या कहा, देखा देखी का मार्ग नहीं, किसी को प्रभावित करना नहीं और किसी से प्रभावित होना, दो चीज। क्या कहा, किसी को प्रभावित करना नहीं और किसी से प्रभावित होना, हम निरंतर दो चीज में लगे हैं, या तो हम प्रभावित करने में लगे हैं और या तो हम लोगों को अपने से क्या करते हैं, प्रभावित करने में लगे, और या तो हम दूसरों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ज्ञानी अपने से प्रभावित, किससे, अपने ज्ञान से प्रभावित, पर से अप्रभावी। तीर्थंकरों का इतना बाहर में इतना विशाल समोचर, 100-100 इंद्र आके चरणों में झुक जाते हैं, स्तुति करते हैं। गणधर भगवान चार ज्ञान के धारी, गुरुदेव जी कहते ना गलून यानी जेम, वाणी सुनते हैं, भारत सभा, तो भी तीर्थंकरों को रंज मात्र भी राह नहीं। जिन ना समो शरण क्या नहीं, योग नहीं, अभी नहीं है ना प्रत्यक्ष तीर्थंकर को। जिन ना समो शरण पर भाग्य छीना, क्या कहा, जिन ना समो शरण पर भाग्य, तो ऐसी मंदर अने वीर ना ध्वनीना, अड़गा सुनाय मधुरा जिन आग उमा। तो भी महावीर भगवान और सीमंदर भगवान के पढ़ गए, कहा सुनाई दे रहे हैं, आगम हमको जिनवानी माता मिली, भले हमको प्रत्यक्ष तीर्थंकर का योग नहीं, भावलिंगी मुनिराज के दर्शन नहीं, परंतु हमें कौन मिल गया, हमें जिनवानी,
स्वाध्याय न करे। कहते ना कि अपने घर पे कोई आए, अपने घर पे कोई मेहमान आए और हम जाके रूम में बैठ जाए तो बोलो अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं लगे ना। ऐसे हमें जिनवाणी माता मिली, तीर्थंकर भगवान की देशना वाणी मिली और हम इसका स्वाध्याय नहीं करे तो हमने जिनवाणी माता का अनादर किया। क्या किया? हमारा हित कभी नहीं होगा। अगर हमें अपना हित करना है तो हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ये जिनवाणी माता। परम उपकारी जिनवाणी हमें ज्ञायक बताया है। क्या बता दिया? आज अपन ये जो प्रकरण है, अभी तक हमने दो प्रकरण किए। पहला एक प्रकरण हमने पूरा देखा चार अनुयोग का प्रयोजन, और दूसरा हमने प्रकरण देखा चार अनुयोगों के विधान का, अनुयोगों के व्याख्या का विधान। दो टॉपिक्स में। अब देखो तीसरा टॉपिक, अनुयोग में दोष कल्पनाओं का निराकरण। किसका निराकरण? दोष कल्पनाओं का निराकरण। जो अज्ञानी है, जिनको यथार्थ भाव नहीं समझते हैं, वे लोग क्या करते हैं? ये चार अनुयोग पढ़ के उसमें दोषों की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? दोषों की कल्पना, और उसका निराकरण पंडित टोडल जी। सबसे पहला प्रथमानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण मिला प्रभु 288 पेज पर है ना। अब देखो यहाँ पे काम कि यहाँ पे पहले दोष बताया कि प्रथमानुयोग में देखो दोष रहता है। क्या दोष रहता है? कोई कहता है कि प्रथमानुयोग में श्रृंगार आदि व संग्राम मादित्व का बहुत कथन है, परंतु किंतु कथन करते हैं उनके निमित्त से रागादि बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसे कथन नहीं करना था, ऐसा कथन सुनना नहीं था। देखो क्या क्या कहते हैं इधर, यहाँ पे शब्द क्या मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, संग्राम हाँ युद्ध है ना, युद्ध को क्या कहते हैं? संग्राम आदि, युद्ध को कहते हैं संग्राम आदि, बराबर ना। तो यहाँ पे कहा कि इसकी चर्चा और श्रृंगार आदि की चर्चा प्रथमानुयोग में बहुत है, पर प्रथमानुयोग में श्रृंगार आदि की चर्चा और जो युद्ध की चर्चा की, तो वो युद्ध की चर्चा युद्ध को बताने के लिए नहीं की। वहां तो ये बताना है कि युद्ध की चर्चा करके भी उसमें से वैराग्य निकालना है। प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या है? कि युद्ध आदि की चर्चा करके भी, श्रृंगार आदि की चर्चा करके भी, आपने कहा ना अलंकार आदि, ये तो नीचे वापस आया, अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं, बराबर ये सब कथन आते हैं, पर वहां प्रयोजन क्या है प्रथमानुयोग का? उसमें से क्या निकालना? विद्याकरण। जैसे चक्रवर्ती आदि के छह खंडों का वर्णन किया, छह खंडों का वर्णन किया तो बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाकर सारी बातें की, तो उसमें वो वैभव की मुख्यता नहीं है, उसमें ये बताना है कि वो चक्रवर्ती भी इतने वो होने के बावजूद भी वो वैभव भोगों को क्षण मात्र में छोड़ के चला गया। माने इतने वो होने पर भी चक्रवर्ती को उस वैभव की रंच मात्र की कीमत नहीं, ख्याल आ रहा है? क्या बताना उसमें से? और अपने पास तो थोड़े वैभव हो ना, तो भी उसका अपने को क्या नहीं टूटता? रस नहीं टूटता, मोह नहीं टूटता, राग नहीं टूटता, और वो चक्रवर्ती छह खंड को छोड़ के क्षण मात्र में कहा चल जाए जंगल में अपनी आराधना करने के लिए। कल बताया ना भोग, भोगों को निद्रा का कारण था। अगर 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 भोग से निद्रा होती तो चक्रवर्ती की गृहस्थपना को त्याग नहीं करते, वन जंगल में नहीं जाते। इसलिए
परिणति है ना, वो निर्जा का कारण है। शुद्ध परिणति भेद ज्ञान जो होगा वो निर्जा का, वो निर्जा के कारण मिलेगा। अभी आप देखो क्या कहते हैं आगे, क्या कहा कि और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को कथन किया जाता हो तो बढ़ाकर कथन इसलिए किया, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर करे बिना उसका स्वरूप भाषित मिला आपको, उसका स्वरूप भाषित नहीं होगा। इसलिए भोग संग्राम आदि इस प्रकार किए, पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हो गए। माने पहले बहुत बड़ा चढ़ाकर सारे वैभव का वर्णन करेंगे और फिर बताएंगे कि इसकी ज्ञानी को रंच मात्र की कीमत। देखो तीन चीज, पर की रुचि आत्मा की अरुचि, पर की रुचि आत्मा की अरुचि, पर का स्मरण आत्मा का विस्मरण, पर का आदर आत्मा का अनादर। क्या कहा फिर से, पर की रुचि आत्मा की अरुचि, पर का स्मरण आत्मा का और पर का आदर आत्मा का अनादर। हम आत्मा का अनादर कर देते हैं, पर को पर के सामने देखते हैं, अरे पर को अपना मानते हैं, हमने आत्मा को पीठ दे दिया, आत्मा का तिरस्कार कर दिया। आत्मा गुरुदेव जी जो कहते थे कि शुभ पाओ मां धर्म मानो, राग राग में उपाधि बुद्धि करना, माने इस जीव ने आत्मा का खून कर दिया। क्या कर दिया? खून कर दिया। उषा जी पर कहा खून खून आचर दे, क्या कहा? राग की उत्पत्ति होना तो हिंसा, पर राग में उपाधि बुद्धि करना वो महान। क्या कहा? राग होना हो तो हिंसा और राग को अपना मानना महान अहिंसा, और राग का नाश होना उसका नाम अहिंसा। हमें तो राग अच्छा लगता है, राग में मराग में मिठास आती है इस जीव को अज्ञानी, राग में उपाधि बुद्धि पड़ी है लेकिन कषाय करना इसको अच्छा लगता है। और कषाय की परिभाषा क्या आई है? जो आत्मा को कसे दुख दे उसका नाम कषाय। के प्रसंग से बचो, परिणाम बिगड़ने का भय रखो और परिणाम सुधारने का भाई। पंडित ने लिखा है ना, आप देखो क्या कहा कि ये सब बताकर देखो नीचे कहते, तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से रागादि बढ़ जाते हैं, सो जैसे कोई दृष्टांत देते पंडित टोडल में क्या देते हैं कि जैसे किसी ने चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य करने का था। चैत्यालय बनवा के क्या कराने का था? धर्म कार्य में जीवों को लगाने का। पर कोई जीव वहां आकर पाप करे, कोई जीव पाप करे तो बोलो वो चैत्यालय जिन्होंने बनाया उनका क्या दोष है? कोई दोष है नहीं, है ना। ऐसे आप ये कह रहे हैं कि पुराण आदि में जो सारे वर्णन किया, सारा जो वर्णन किया उसमें से आचार्यों को तो निकालने की विद्रा, बताने की विद्रा, पर यदि कोई जीव उसमें राग का पोषण करे तो आचार्य की क्या भूल, आचार्य का क्या दोष? स्वयं राग करता है, किसी और के कारण से राग होता है कि स्वयं राग करता है? स्वयं राग, स्वयं परिणाम बिगाड़ता है। अपन दोष किस पे देते हैं? पर पे देते हैं, निमित्त पर देते हैं। दोष स्वयं का है। एक दिन कहा था ना, तीव्र मिथ्यात्व के उदय में दूसरों के दोष देती है, मंद उदय में अपने दोष देती है, और उदय का अभाव हो जाएगा तो दोष का ही क्या हो जाएगा? अभी आप कह रहे हैं कि दोष किसको देखता है? आचार्य का निकालता है।
पर स्वयं नहीं प्राप्त का क्या नहीं करता, पोषण नहीं करता, है ना। अब देखो यहाँ नीचे कहा, यहाँ पे कहते धर्म में लगाने का ही प्रयोजन है, परंतु कोई पापी धर्म ना करके रागादी ही बढ़ाए तो शिव गुरु का क्या दोष, आचार्यों का उनका कोई दोष। अब कहते यदि तू कहे रागादी का निमित्त हो ऐसा कर्तन ही नहीं करता था। उत्तर, यह कहते हैं कि सरागी जीव को मन, सरागी जीव का मन केवल वैरागी कथन में नहीं लगता, है ना। जो रागी है उसका मन पूरे टाइम, है ना, वैरागी में नहीं लगता। इसीलिए जिस प्रकार बालक को बताशा दे के औषधि देते हैं, इस प्रकार रागी जीव को कथा कहानी सुना कर क्या समझाते हैं, धर्म को पुण्य कार्य में, धर्म में लगाते हैं, बराबर। अब कहते हैं ऐसा है कि यदि तू कहता है ऐसा है तो विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करना योग्य, जो विरागी है यानी जो राग से रहित है उनको तो ऐसा अभ्यास करना नहीं चाहिए। तो कितना सुंदर जवाब देते हैं, अंतरंग में राग भाव नहीं, सुनना, अंतरंग में राग भाव नहीं तो कितने भी बार के ग्रंथ ये पढ़ ले तो भी उसको राग नहीं होगा, और अंदर में राग है, राग है तो इसमें से वो किसका पोषण करेगा, राग का ही पोषण। जैसे एक वेश्या है, एक वेश्या, वेश्या एक, पर मुनिराज को देख के, मुनिराज उसको देखकर राग नहीं होता, मुनिराज उसको देखते हैं तो वैराग्य होता है, और कोई रागी उसको देखता है तो राग होता है। व्यक्ति तो एक ही पर परिणाम दोनों के, इसलिए यहाँ कहते हैं कि जिसके अंतरंग में राग नहीं उसको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर भी राग, और जिसको है तो नियम से राग का क्या करेगा, पोषण। अब कहते हैं फिर तू करेगा जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर राग रागादि हो जाए तो उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य। अब कहता है कि जिनको रागादि हो जाए तो उनको तो सुनना नहीं चाहिए। तो कितना जबरदस्त पंडित जी ने जवाब दिया, पंडित जी ने कहा कि यहाँ अगर वो उपयोग नहीं लगाए, सपोज क्योंकि उसको रागादि होते हैं ना, कि प्रथमानियों की कथा कहानी पढ़कर अगर इसमें उसको रागादि होते हैं, रागादि का पोषण होता है, तो फिर अन्य विषयों में लगाएगा उपयोग, अन्य विषय में, पंचेंद्रिय के विषय में लगाएगा तो अधिक राग होगा। क्या हुआ, अगर यहाँ राग हो रहा है तो उन विषयों में तो और राग होगा कि नहीं, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत धर्म बुद्धि हो, इसीलिए यहाँ ये अभियोग को पढ़ने में उपयोग को लगा दीजिए, वहां तो बिल्कुल धर्म बुद्धि नहीं होगी, और इसमें उपयोग लगाएगा तो क्या होगा, धर्म बुद्धि होगी, है ना। जो इसके ऊपर लाइन बताई ना, क्या बताई कि वह तो कुरान सुनना छोड़कर अन्य कार्य में भी ऐसा ही करेगा जहाँ बहुत रागादी हो, इसलिए उसको भी कुरान सुनने से थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, धर्म बुद्धि हो, अन्य कार्यों से यह कार्य भला ही है, अन्य कार्य से यह कार्य तो, क्योंकि वहां तीव्र राग होगा और यहाँ पे मंद राग ना, इसे बात पांच इंद्र के विषय छोड़ने योग्य और इस जिनवाणी में उपयोग लगाने योग्य, क्योंकि तीव्र राग में से राग मंद होगा और फिर राग मंद हुआ और जब आत्मा की रुचि हुई, आत्मा की तीव्र रुचि हुई तो राग का भी क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं नीचे, तथा कोई कहे प्रथमा योग में अन्य जीवों की कहानियां है उनसे हमारा क्या प्रयोजन, प्रथमा युग में अन्य जीवों की कहानियां होती ना तो उनसे हमारा क्या प्रयोजन, उनसे हमारा क्या लेना देना, अपनी बात हो तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, अन्य की बात हो तो हमारा कोई। तो कितना सुंदर जवाब दिया, जैसे कोई कामी पुरुष हो और काम कथा सुने, सुनने पर उसको क्या काम के भाव होंगे, ऐसे इस प्रथमा युग में किसकी चर्चा है, धर्मात्माओं की, ज्ञानियों की, महापुरुषों की। तो ऐसी बातें सुनकर
की बातें सुनकर उसे भी उन जैसा बनने की क्या मिलेगी? प्रेरणा। कहना समय साल में आज तक आत्मा को प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वयं ने आत्मा जाना नहीं और ज्ञानियों की संगति की। दो कारण बताए, क्या दो कारण? स्वयं ने आत्मा जाना नहीं और किसकी संगति नहीं की? ज्ञानियों की संगति। तुम्हें कहा था फ्रेंडशिप का उदाहरण दिया था कि राग की फ्रेंडशिप छोड़ो और आत्मा की फ्रेंडशिप करो, कुसंगति से बचो और सुसंगति में। नियम से कुसंगति में जाएंगे तो परिणाम बिगड़े बिना, और सुसंगति करेंगे ज्ञानियों की संगति करेंगे तो परिणाम सुधरे बिना। जिसने आत्मा देखा वो भी आत्मा दिखा सकता, जिसने आत्मा नहीं देखा बोलो वो आत्मा दिखा सकता है कि नहीं? नहीं दिखा सकता। जिसने स्वयं ने देखा वो ही दिखा सकता है। गुरुदेव ने आत्मा देखा इसलिए 45 साल का दिखाया, आत्मा दिखा। गुरुदेव जी कहते ना, बद्धा मां की आत्मा में ऊर्ध्व करो। सब में से किसको ऊर्ध्व रखो? आत्मा को ऊर्ध्व रखो। आत्मा को ऊर्ध्व नहीं रखेंगे और बाकी सब चीज मुख्य होगी तो वो कोई प्रयोजन नहीं, और बाकी सब चीज गौण हो और आत्मा मुख्य हो तो प्रयोजन की सिद्धि हुए ना। एक आत्मा ही जगत में कौन है? सार, बाकी सब असार। अब देखो करना योग में दोष कल्पनाओं का निराकरण, दोष कल्पनाओं का निराकरण इसमें आएगा ये करना योग में। अब पहला क्या बताते हैं, यहाँ पे कोई जीव ऐसा कहता है कि करना योग में गुणस्थान में मारणास्थान में कर्म प्रकृतियों के कथन बहुत किए, कर्णालयों में ये सब के कथन बहुत किए ना, त्रिलोक आदि के कथन किए, तो यह उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है यह इस प्रकार है, इससे अपना क्या सिद्ध होगा? प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न किया कि हमने इतना जान लिया कि कर्म प्रकृतियां इतनी है, यहाँ पे ऊर्ध्व लोक है मध्य लोक है पाताल लोक है, इतने द्वीप और समुद्र है, इतने स्वर्ग है इतने नरक है, इतने बिल है इतने इतने विमान है, इतनी पटले है इतनी वलय है, सिद्ध भगवान कहा है, ये सब हमने जान लिया, ये सब जान लिया, अब इससे मेरा प्रयोजन क्या? प्रश्न हो सकता है इससे मेरा क्या प्रयोजन चलेगा? तो कितना जबरदस्त जवाब दिया। देखो पहले तो प्रश्न ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि या तो आप भक्ति करो या तो आप व्रतादि करो और या तो आत्मा का अनुभव करो तो कुछ भला हो। ये तीन में तो कुछ जीव का, पर फिर करना नहीं को जानने से क्या भला हो, क्या भला हो? तो पंडित जी कितना जबरदस्त जवाब देते हैं। देखो सबसे पहले तो भक्ति करो कहा ना उसने, ये भक्ति करो दान दो अनुभव करो तो भला हो। तो पहला जवाब, परमेश्वर तो वितरागी है। परमेश्वर कैसे? भक्ति करने से वो तो प्रसन्न होने वाले नहीं है, है ना? और अपन भक्ति करते हैं ना तो अपने को क्या लगता है? भगवान प्रसन्न हो गए, है ना? पर भगवान कैसे है? वितरागी है, तो भगवान तो प्रसन्न होते नहीं है ना। देखो यहाँ पे भक्ति का निषेध नहीं करना है, मैंने भक्ति करना छोड़ नहीं देना, भक्ति का निषेध नहीं करना, भक्ति का जो कर्तृत्व तो बना है ना और जो मान्यता पड़ी है कि मैं भक्ति करूंगा तो पुण्य बंधेगा, इस मान्यता का निषेध किया। अगर भक्ति का निषेध नहीं, और दूसरी बात कि भक्ति करने से भगवान को ना प्रसन्न हो, कि भगवान तो कैसे है? वितरागी। अब देखो क्या कहते हैं, भक्ति करने से कषाय मन होती है, क्या होती है? कषाय मन, उसका स्वयं उत्तम फल मिलेगा, पुण्य बनेगा स्वर्ग जाएगा स्वयं मिलेगा। परंतु कर्णायोग में, देखो कर्णायोग में अभ्यास, कर्णायोग के अभ्यास से उससे भी कषाय की अधिक ममता होती है, भक्ति से भी कर्णायोग में पढ़ने में कषाय की ममता अधिक होती है, क्योंकि पहले ही बताया था कर्णायोग में उपयोग की एकाग्रता ज्यादा,
इसे कषाय की ममता। ओके, अब दूसरा बताया भ्रता भी तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त साधन है। ये बाह्य निमित्त है ना, भ्रता कषाय घटाने में करणानियों के अभ्यास करने पर वह उपयोग लग जाए तो रागादि दूर होते हैं, तो वह अंतरंग निमित्त का साधन है। किसका साधन है? करणानियों का अभ्यास अंतरंग निमित्त का साधन और व्रतादि पालन करना बाह्य निमित्त का। सुन में आ रहा है कि नहीं? दोनों में अंतर बता रहे हैं। अब देखो द्रव्यानियों, अब द्रव्यानियों की बात करें, क्या कहेंगे अभी कि व्रत आदि धारण करके अध्ययन आदि करते हैं तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य। आत्मानुभव क्या है? सर्वोत्कृष्ट कार्य। परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग दिखता नहीं। कितना टाइम टिकेगा सामान्य में? थोड़ा टाइम। इसलिए तो कहते ना कि सामान्य से विशेष बलवान है। और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प भी होते हैं। द्रव्यानियों के उपयोग नहीं टिकेगा तो क्या होंगे? अन्य विकल्प होंगे। वह करणानियों के अभ्यास हो तो उस विचार में उपयोग लगता है। अब पहले बताया था ना कि करणानियों में 5-5, 6-6 घंटा उपयोग टिक सकता है, पर द्रव्यानियों में थोड़ा टाइम टिकेगा। आप देखना त्रिलोक चार ग्रंथ का अभ्यास करो, तीन लोग की पढ़ाई करोगे ना तो उपयोग की एकाग्रता बहुत रहेगी, क्योंकि बाहर तो समय कहां चला जाएगा पता नहीं चलेगा। और द्रव्यानियों का अभ्यास करेंगे तो एक आध घंटा कर पाएंगे, फिर क्या होगा? उपयोग बाहर टिकेगा। इसलिए यहाँ पे करुणानियों के स्वाध्याय से क्या होगा? राग आदि और घटेंगे, कषाय आदि क्या होगी? मंद पड़ेगी और परिणामों की निर्मलता। अब आगे कहते हैं कि यह विचार वर्तमान में भी रागादि घटाता है और आगामी काल में भी रागादि को करणानियों के स्वाध्याय से। अब कहते हैं जीव कर्मादि के नाना प्रकार से भेद जाने, अब उनमें रागादि करने का प्रयोजन नहीं है, इसीलिए रागादि बढ़ते नहीं है, वितराग होने का ही प्रयोजन। अब कर्म आदि का अभ्यास करे, गुणस्थान आदि का अभ्यास करे, मारणासन आदि का अभ्यास करे तो वहां तो रागादि क्या होंगे? घटेंगे, रागादि बढ़ेंगे नहीं, है ना? क्योंकि उसने लौकिक प्रवृत्ति से उपयोग को हटाकर कहा लगाया? जिनवाणी के अभ्यास में लगाया ना, तो रागादि घटेंगे, रागादि बढ़ेंगे। फिर एक नीचे जबरदस्त प्रश्न किया कि चलो कर्म आदि में तो रागादि घटेंगे, पर आप द्वीप समुद्र की जो चर्चा करते हो ना, द्वीप समुद्र आदि की जो चर्चा आई है उनसे क्या सिद्धि हो? उनसे हमारा क्या भला हो? उनसे हमारी क्या सिद्धि हो? देखो द्वीप आदि की चर्चा रचना बता कर दी, ये बताना है आचार्यों को कि हम ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां हम जन्मे ना हो, जहां हमने मरण ना किया हो। त्रिलोक सार की रचना बताकर क्या बताना है कि हम एक एक प्रदेश पर घूम के आए, माने हमें परिक्षेत्र का राग तुड़ाना है और स्वक्षेत्र की रुचि करानी है, पर द्रव्य का राग तुड़ाना है और स्वद्रव्य की पर काल करना भी मतलब काल चक्र का वर्णन, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है ना, बीज कोड़ा कोड़ी कल्प काल, ये सब बताकर क्या बताना है? काल परावर्तन बताकर क्या बताना है कि ऐसा कोई समय नहीं कि जहां हमने जन्म और मरण। भाव परावर्तन बोलो, भाव परावर्तन में क्या बताना है? भाव पहले भाव आएगा ना, भाव में बताना है कि ऐसा कोई भाव बाकी नहीं, नरक निबोध नरक क्लियरेंस मनुष्य और देव कि हमने अज्ञानता में धारण, और भाव परावर्तन ऐसा कोई भाव बाकी नहीं कि हमने आज तक, माने निकृष्ट में निकृष्ट भाव भी अनंत बार किए और उत्कृष्ट उत्कृष्ट शुक्ल लेशा के परिणाम भी हमने अनंत बार किए, पर हमने अपने आप को भावों से कभी भिन्न करना नहीं होता।
वैराग्य को उत्पन्न करा। तीन लोग को समझाकर पर क्षेत्र आदि का राग तुला। आत्मा को देखो, क्षेत्र बदलने की जरूरत नहीं, संयोग नहीं बदलो, काल नहीं बदलना, तो ख्याल है भाव भी बदलना अपने आप में नहीं। किसको देखो, स्वधर्म क्षेत्र काल भाव को देखेंगे तो यहाँ परिणाम सुधरे बिना नहीं। सीधा आत्मा आत्मा को देख, आत्मा को उल्टो करो। मेरा अपन अपन अपना पूरा पुरुषार्थ कहाँ लगाए, पूरा पुरुषार्थ पर को बदलने में लगाए। यहाँ पे कहते हैं पर का कार्य अपने पुरुषार्थ अनुसार नहीं होता, पर में हमारा रंच मात्र ही पुरुषार्थ होने चाहिए। जहां पुरुषार्थ चलता है वहां करता नहीं, और जहां नहीं चलता है वहां चलाने क्या कहा, फिर से क्या कहा, जहां हमारा पुरुषार्थ चलता नहीं वहां करने जाता है, वहां चलाने जाता है, और जहां चलता है वहां करता नहीं। कहते ना एक सफेद बाल हो रहा है उसको सफेद होते हुए रोक नहीं सकते। बोलो ये शरीर छूटता है तो उसको रोक सकते हैं कि नहीं? कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। देखो प्रतिमान पहला अनुयोग चरणानुयोग कहेगा देख देख कर चलो, देख देख कर चलो। करणानुयोग कहेगा कि जीव आयु प्रमाण जीता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को। और द्रव्यानुयोग कहेगा कि मैं मरता ही नहीं। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा, मैं मरता ही नहीं। की शैली अलग हुई ना। करणानुयोग क्या कहेगा, देख के चलो। करणानुयोग क्या कहेगा, जीव आयु कर्म से बचता है और आयु कर्म के क्षय से। और द्रव्यानुयोग क्या कहेगा, कोई मरता ही, जीव तो अनादि अनंत ना, मेरा कभी जन्म नहीं और मेरा कभी। जिसकी बर्थडे मनाते हैं ना, जिसका जन्मदिन मनाते हैं उसको तो पता ही नहीं, और जो मनाता है उसका जन्मदिन ही नहीं। आया समझ में? क्या कहा, जिसकी बर्थडे मनाते हैं ना उसको तो पता ही नहीं, इस पुद्गल को क्या पता, और शरीर की बर्थडे मनाते हैं। और जो मनाता है, जो मनाता है उसका उसका जन्मदिन ही नहीं, क्योंकि वो तो अनादि का है ना, जन्म तत्व का। और हम अपने कितने परिणाम बिगाड़ते हैं ना, बर्थडे में, एनिवर्सरी में। आज आज का ना वुमेन्स डे मैसेज आने लगे, क्या क्या डेज मनाते हैं। अभी 31st गई नहीं, नया साल सबको कितनी कितना उत्साह है ना, नए साल, नया साल आ गया, नया साल। ये पहली बार साल बदला, ये अनादि काल से चल रहा है, ये तो अनंत बार बदला। कैलेंडर अनंत बार बदले, तारीख अनंत बार बदली, साल अनंत बार बदले, ये न्यू ईयर अनंत बार आया, पर एक बार भी क्या नहीं हुआ, ये नवीनता नहीं हुई। क्या नहीं हुई, अपने आत्मा का सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ 291 पेज पर। यहाँ पे कहा कि यहाँ पे नीचे कहा ना, क्या प्रश्न था यहाँ पे, कि द्वीप समुद्र को जानने से कोई प्रयोजन नहीं। अब देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अंदर में रागादिक होंगे ना, तो पाषाण आदि को भी जानेगा ना, पत्थर आदि को, तो भी उसको अंदर राग होगा तो राग का पोषण होगा, पर द्वीप समुद्र आदि को जानेगा तो कहते हैं कि वो उसको उसमें रागादिक का पोषण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी बताया कि वो
वो द्वीप समुद्र को जानने में क्यों लगा है, तीन लोग की चर्चा क्यों कर रहा है, इसको जानने में उपयोग क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसने पर के कार्य से उपयोग को हटाया, पाप के कार्य से उपयोग को हटाया और उपयोग को इसमें लगाया। तो रागादिक बढ़ेंगे कि घटेंगे? रागादिक घटेंगे, बराबर ना? ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। अगर आप कहा देखो नीचे, यदि स्वर्गादिक की रचना सुनकर, इसकी रचना स्वर्गादिक की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी हुआ, उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्तन करे। देखो स्वर्गादि को भी जानकर है ना, उसको उसमें जाने की भावना हो, उसको उसमें उसको प्राप्त करने की भावना हो तो क्या छोड़ेगा? पाप को छोड़ेगा और पुण्य में, ठीक है ना? तो अंत में प्रयोजन तो ये हुआ ना कि पाप छूटा और किसमें लगा? पुण्य में लगा। मैंने यहाँ पे देखो नीचे की लाइन में कह दिया कि उपयोग की निर्मलता हो इसीलिए यह अभ्यास कार्यकारी। उपयोग की क्या होगी? निर्मलता। अरे कोई भी अनुयोग पढ़ो, कषाय की बुद्धि ना हो, उपयोग की क्या हो? निर्मलता हो। परिणाम की क्या हो? विशुद्धि हो। पापों से हम क्या हो? बचे, बराबर ना? और पुण्य कार्य में लगेंगे तो हमें आत्मा की रुचि बढ़ेगी। कैसे भी करके समय सारे कहा मर पच के भी क्या करो? मर पच के भी, कितने कड़क शब्द का प्रयोग किया, मर पच के भी क्या करो? आत्मा का अनुभव। इस देह को कहा ना अंतर मुहूर्त के लिए क्या कर दो, इस क्या बना दो? पड़ोसी बना दो। दिन रात एक करके क्या कर लो? अपने आत्मा का अनुभव। सारे काम साइड पे रखो, सारे काम साइड पे चला रहा है और मुख्यता किसको दो, इंपॉर्टेंस किसको दो? आत्मा के अनुभव। ये ना हो तब तक चैन ना पड़नी चाहिए, चैन ना पड़ना चाहिए। जैसे हमें कोई वस्तु की प्राप्ति जगत में नहीं होती ना, जब तक नहीं होती है तब तक चैन नहीं पड़ती। ऐसे यहाँ पे कहते हैं जब तक आत्मा प्राप्त ना हो तब तक हमें चैन पड़ना नीचे। अब देखो नीचे यहाँ पे कहते हैं करुणा युग के स्वाध्याय में तू लगो, यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वह उपयोग उलझता है। जल्दी जल्दी जानने में आए तो उपयोग वहां टिकेगा नहीं ना। तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता। अगर जो जानी हुई वस्तु है ना, उसको अगर वापस जाने तो उत्साह नहीं आएगा ना। कर्णाली में नई नई बातें आती है, एक तो उपयोग की एकाग्रता क्यों है? क्योंकि कर्णानियोग में नई नई बातें आती है और दूसरा कर्णानियोग में कठिन बातें आती है, कठिन बातें। तो कठिन बातें में उपयोग की एकाग्रता ज्यादा होती है सरल बातों से, बराबर ना? इसीलिए दो कारण से, कौन से दो कारण से उपयोग की एकाग्रता ज्यादा लगेगी कर्णानियोग में? एक तो नए विषय आते हैं और दूसरा वहां पे कठिन विषय है, इसीलिए कर्णानुयोग के स्वाध्याय में उपयोग की एकाग्रता ज्यादा होती है। दो अनुयोग हुए। अब देखो नीचे तीसरा चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। अब देखो चरणानुयोग में क्या क्या दोष कल्पना करता है। सबसे पहला पॉइंट कहा कि चरणानुयोग में बाह्य व्रत आदि का साधन का उपदेश किया कि ये उपवास करो, क्रिया सुधारो, व्रत आदि करो, है ना? ये उपदेश किसमें दिया? शरणानियों पे दिया। तो यहाँ पे प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं कि इसमें तो कुछ सिद्धि नहीं हुई, ये तो जड़ की क्रिया है, इसमें क्या सिद्धि हुई? परिणाम अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवर्तो, क्या होना चाहिए? अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। ये जड़ की क्रिया करने से क्या सिद्धि होगी? परिणाम निर्मल होने से। तो इसके लिए कितना जबरदस्त जवाब दिया कि क्रिया और परिणाम के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नहीं क्रिया
उतरेगी ना, उसे क्रिया को सुधारा, तो बोलो अंदर में परिणाम उस रूप होंगे कि अन्य होंगे, उस रूप होंगे ना, बराबर कि नहीं। खाली एक एक्सेप्शन पंडित जी ने यहाँ पे कहा, कोई परवशता से क्रिया करता हो, क्या कहा, कोई परवशता से क्रिया करता हो तो कदाचित बिना परिणाम, बिना परिणाम क्रिया हो सकती है, परंतु कोई वो क्रिया करने में बुद्धिपूर्वक लगाओ तो उसके अंदर के परिणाम निर्मल होंगे। कोई किसी ने बुद्धिपूर्वक सोचा कि मैं आज पिक्चर देखने जाऊंगा, है ना, तो उसकी क्रिया हुई पिक्चर देखने की, तो बोलो उस समय उसके परिणाम अंदर के निर्मल होंगे, निर्मल होंगे कि खराब होंगे, निर्मल नहीं होंगे ना, क्योंकि उसने बुद्धिपूर्वक उस क्रिया करने का क्या किया। अब जिसने मंदिर आने का, स्वाध्याय आने का बुद्धिपूर्वक विचार किया, उस क्रिया में बुद्धिपूर्वक लगा, तो उसके परिणाम उस रूप ही होंगे ना, क्योंकि क्रिया और परिणाम के बीच में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक, इसीलिए बारंबार क्रिया को सुधार कर आचार्य जी किसको सुधारना चाहते हैं, परिणाम को सुधारना चाहते, परिणाम का फल मिलता है, पाप का फल नरक, पुण्य का फल स्वर्ग और धर्ममय परिणाम का फल मोक्ष। शुभ शुभ परिणाम से भी रहित होकर क्या करो, क्या करो, धर्म परिणाम करो, जब तक धर्म परिणाम नहीं होंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति, इसलिए तो कहा ना चैडाला में ये सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम, धन्य है जीव जिसने धर्म की प्राप्ति कर ली और श्रद्धा कर ली, तो बोलो परिणाम सुधरेंगे और परिणाम सुधरे तो क्रिया भी सुधर जाएगी। और अंतिम यहाँ पे चरणाम योग का एकदम छोटा ही है, यहाँ पे कहा कि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार्थ सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनको तो चौथा गुणसा होता है, और ग्रस्त शावक मनुष्य के पंचम गुणसा होता है, सो क्या कारण, तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो, देखो अगर बाह्य संयम का कुछ भी इम्पोर्टेंस ना हो तो फिर सम्यक दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि वाले जो है ना देव, उनको गुणसा कौन सा, चौथा। और यहाँ पे मनुष्य व्यक्ति में जीव कौन से गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, क्योंकि यहाँ संयम है या बाह्य क्रिया गतादि अंगीकार करता है तो उसका गुणस्थान कौन सा हो सकता है, पंचम। और सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर आत्मा की चर्चा करते हैं तो भी उनको कह दिया असंयम, क्योंकि वहां व्रतों का पालन करने की योग्यता ही, इसलिए जब पंच कल्याण का अपन देखते हैं ना क्या कि भाई तप कल्याण के दिन पालकी उठाने के लिए देवों और मानवों में चर्चा होती है कि नहीं, और उस समय क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं देव, देवगण भी क्या मांगते हैं, मनुष्य को कहते हैं कि आप हमारा सारा वैभव ले लो, हमारी सारी संपदा ले लो, पर हमें अंतर मुहूर्त के लिए क्या दे दो, मनुष्य पर्याय, क्यों अंतर मुहूर्त के लिए मांगी, अंतर मुहूर्त के लिए क्यों मांगी, हाँ क्योंकि अंतर मुहूर्त में जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति, संयम की महिमा है, त्याग की महिमा है, नियम लेने की महिमा है, हाँ क्योंकि उससे अंदर के परिणाम क्या होंगे, निर्मल होंगे। मनुष्य गति में ही जीव संयम धारण कर सकता है और कोई गति में संयम धारण, इसलिए तो चार गति में भी उत्कृष्ट गति किसको कही, मनुष्य गति को, जिसे अपना जीवन संयमी हो, आठम चौदस पर्वों के दिनों में, है ना, हम पापों से बचे और अपना दिन संयम पूर्वक व्यतीत हो, ब्रह्मचर्य के भाव धारण करे, है ना, अभक्ष आदि का संयोग सेवन ना करे, पिक्चर टीवी संगीत इन सब से दूर रहे, कथा विकथा आदि से बचे, जितनी आराधना हो
सुंदर आइए भगवान आत्मा आनंद घन है चेतंतु उस पर दृष्टि कर शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले हो जाएंगे सब संकट हर। क्या कहा? भगवान आत्मा इसका पिंड है ज्ञान और आनंद का पिंड है और इसकी दृष्टि करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाए। कहते ना ज्ञान ही सर्व समस्याओं का समाधान है। परिचय लक्ष्य से तो समस्या खड़ी होगी, संकट खड़े होंगे, पर में उलझेंगे ना, भी कथा आदि में उलझेंगे तो क्या होगा? संकट खड़े होंगे। और ज्ञान ज्ञान का आश्रय लेंगे, ज्ञान के शरण में जाएंगे तो संकट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तीन चीज, अपना जीवन प्रमाद भी कथा और कषाय से रहित है। तीन चीज किससे? प्रमाद भी कथा और कषाय। और बड़े पंडित जी तीन चीज का सदुपयोग करने को कहते हैं। कौन सी तीन चीज? समय, बुद्धि और शक्ति। तीन चीज का क्या करो? कौन सी तीन चीज? समय, बुद्धि और शक्ति। और कौन सी तीन चीज से रहित हो जाओ? प्रमाद भी कथा और अपने जीवन में निर्मलता आए बिना। अब देखो द्रव्यालय अंतिम 10 मिनट में अपन ये पूरा करते हैं। कल का अंतिम स्वाध्याय है। कल अंतिम स्वाध्याय में अपने लास्ट प्रकरण जो है, लास्ट कौन सा है? अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण, अंतिम प्रकरण है 8 अधिकार। ये अपन कल लास्ट स्वाध्याय इसका अपन शॉर्ट में है बड़ा, पर मैं पॉइंट वाइज इस प्रकरण को पूरा समझाऊंगी, है ना। अंतिम स्वाध्याय 10 तारीख को अपने क्या रखी है? क्विज, है ना। आपके पास कितने दिन है? 2 दिन, है ना। तो आपको 2 दिन में क्या करना है? पूरे 8 अधिकार का स्वाध्याय, ठीक है ना। सोना नहीं आपको आज, 2 दिन रात को सोना नहीं है, ठीक है ना। अरे करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 10 तारीख को क्विज है इसलिए फिर डर के मारे। सबको आना है और एकदम इजी क्वेश्चन को बहुत मजा आएगी। अपन भक्ति करते करते वो क्विज खेलेंगे और अंतिम द्रव्यालयों में दोष कल्पना का निराकरण। देखो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे कहा द्रव्यालयों में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन बताया। किसको हीन बताया? व्रत आदि को हीन बताया। सम्यक दृष्टि के विषय भोग आदि को निर्जा का कारण कहा। तो कथन सुनकर जीव क्या हो जाएगा? सचिन हो जाएगा। व्रत आदि को शुभ भाव को तो हीन बता जाना तो फिर जीव जीव उसको छोड़ देगा और फिर कहां लग जाएगा? पाप में लग जाएगा। और भोग को निर्जा का कारण कहा तो स्वयं क्या करता रहेगा? भोग को भुगता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जवाब देते हैं। जैसे कोई गधा मिश्री खाकर मर जाए तो फिर कोई मनुष्य मिश्री खाना छोड़ता, ऐसे कोई द्रव्यालय के शास्त्र पढ़कर स्वच्छंदपना अंगीकार करे तो जो बुद्धिमानी है, जो विवेकी है, तो वो जीव तो क्या नहीं करेंगे? द्रव्यालय पढ़ना बंद करेंगे। क्लियर है ना। अब देखो क्या कहते हैं यार नीचे, तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करे करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उद्देश्य तो बाहर ही है। कहा है? द्रव्यालयों भी है। और द्रव्यालयों को ही अपन ना पढ़े तो फिर हम मोक्ष मार्ग को साध सकते? सबसे पहले तुम प्रथमानियों का ही स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञानी हुए, बिना आत्मा का अनुभव किए, कहते ना कितने भी परिणाम सुधर जाए, परिणाम सुधरे माने कितने भी परिणाम शुक्ल लेशा के हो जाए, कषाय की कितनी भी मंदता हो जाए और कितनी भी क्रिया सुधर जाए, पर आत्मा के अनुभव के बिना उसकी कोई
चेक लिखते ना, चेक, चेक के ऊपर वो रकम लिख दी, नाम लिख दिया, है ना, सब कुछ डाल दिया, पर वो साइन ही नहीं थी। बोलो वो चेक कोई काम का नहीं, काम का ना। ऐसे ही कहते हैं कुछ भी कर लो पर आत्मा का अनुभव ना हो। और आत्मा के अनुभव की विधि कौन से शास्त्र में कहा है? कहिए, द्रव्यानुयोग में। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत जीव को कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो, तो कोई उसकी मुख्यता करके मेघ का निषेध नहीं करना, उसी प्रकार अध्यात्म का उपदेश होने पर बहुत जीवों को मोक्ष मार्ग की क्या होती है, प्राप्ति होती है, उसे उसका निषेध नहीं करना। अब नीचे, अध्यात्म ग्रंथ से कोई स्वच्छंद हो तो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, पहले भी क्या था, और अध्यात्म के शास्त्र पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि रहा, इतना ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? कि सुगति के बदले वो कहा जाएगा, कुगति में जाएगा। अब ऊपर, अब याद है नीचे, तथा कितने जीव कहते हैं द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वो उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी, निचली दशा वाले को तो संयम आदि ही कार्य। माने यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसमें तो उच्च पद की प्राप्ति की बात है ना, तो वो निचली दशा वाले को कार्यकारी, तो निचली दशा वाले को क्या करो, संयम आदि का ही पालन, माने क्रिया आदि में ही, क्रिया आदि का ही पालन करो, बराबर। तो उसके लिए जवाब देते हैं, बहुत जबरदस्त जवाब दिया है पंडित जी ने। उनके उनसे कहते हैं, जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो हो, क्या हो, वह सम्यक तो स्व पर का श्रद्धान होने पर होता, वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग के अभ्यास करने पर होता, द्रव्यानुयोग अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पहले क्या हो, सम्यक दृष्टि, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार दत्तातीत को धारण करो, बराबर। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में द्रव्यानुयोग ही कार्यकारी, क्योंकि पहले ज्ञानी होगा, आत्मा का अनुभव होगा, और फिर दत्तादि जो अंगीकार किए उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहने में। अब यहाँ पे एक दो में महत्वपूर्ण बात, क्या बात है यहाँ पे देखो, यहाँ कहते हैं यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, तो उसके लिए जवाब देते हैं, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने, है ना। अब कोई कहे, क्या कहे, कि उपदेश ऊंचा है तो निचली दशा वाले को तो समझ में, पर औरों में तो क्या लगती है अपनी, औरों में तो चतुराई करता है ना, दूसरी सब चीजें याद रहती है। बोलो कि किसी को पूछो जिसको टीवी का शौक हो ना, उसको पूछो कि कौन सी सीरियल कितने बजे आती है, बराबर क्या बता देगा, वो टाइम बता देगा। उसको पूछो ये सीरियल में क्या स्टोरी है, तो पूरी बराबर बता देगा कि नहीं। किसी का भी वो शादी हुई हो ना, या तो कहता है याद नहीं रहता, या तो कहता है समझ में नहीं आता है, क्या करे, ये याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। और वहां अभी अभी वो लड़के लड़की की शादी हुई हो तो उसके ससुराल वालों के सबके नाम, बोलो सबके नाम बराबर याद रहते हैं कि नहीं, वहां तो सब कुछ याद रहता है, वहां तो चतुर, बिजनेस कैसे करे, पैसे कैसे कमाए, वो उसमें तो होशियार, और इधर क्या कहता है, क्या कहता है, क्या करे याद ही नहीं, याद धारणा में नहीं रहता। देखो जिसको जिसकी रुचि हो ना, जिसको जिसकी रुचि हो वो याद हुए बिना रहता नहीं, जिसको परी की रुचि हो, जिसको जिसको पैसे की रुचि हो उसको बराबर पूरे दिन का याद रहता है, क्या कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ऐसे ज्ञानी को आत्मा की रुचि, ज्ञानी को आत्मा की रुचि है ना, इसलिए आत्मा को एक क्षण मात्र के लिए भी भूल दे, और ये शास्त्र भी उनको समझ में आएगा जिसको आत्मा की रुचि, के ये यहाँ पे कहते हैं। और अंतिम अंतिम पैराग्राफ देखो, नीचे कहा कि आज भी अष्ट पावर की, मोक्ष पावर की यहाँ पे गाथा बताई 77 नंबर की,
क्या बताए? देखो यार मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है कि यदि कहोगे कि यह काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना। अब क्या क्या बहाने बनाता है कि काल, तो इस निकृष्ट काल में अध्यात्म की बात कैसे संभव है? तो पंडित जी ने इतना जबरदस्त जवाब दिया कि बराबर है, काल निकृष्ट है, इस निकृष्ट काल में मोक्ष तो नहीं जा सकते, पर इस निकृष्ट काल में भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्या कर सकता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो जीव चारों गति में कर सकता है, इसलिए तू काल का दोष नहीं देगा, क्षेत्र का दोष नहीं दे। कितने लोग तो कहते हैं ना, यहाँ काम नहीं होगा, कहाँ होगा? विदेश क्षेत्र, यहाँ तो हुंडा सर्पिणी काल, इधर नहीं होगा, कौन से काल होगा? चौथे काल, ठीक है ना? कितनी बार गए चौथे काल में? कितनी बार गए विदेश क्षेत्र में? विदेश क्षेत्र में अनंत बार नहीं, विदेश क्षेत्र में तो अनंत बार गए, सिद्धालय में अपन, सिद्धालय में अनंत बार गए। कहीं एक जगह गई थी तो वहां कहा कि सिद्धालय में अपन अनंत बार गए, तो एकदम शौक हो गए, बोले सिद्धालय में कैसे जाते दीजिए, सिद्धालय में गए तो फिर वापस ही नहीं आते ना। बोलो क्या बन के गए? निगोदिया जी। अनंत बार क्या बन के गए? क्षेत्र एक पर सिद्ध भगवान अनंत सुखी और निगोदिया अनंत, ये यहाँ पे कह रहे हैं। और अंतिम में कहते हैं कि कोई कहता है द्रव्यांगों में अध्यात्म शास्त्र है, वह स्व पर वेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया है, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझ में भी शीघ्र आता है, परंतु पंडित जी का परंतु द्रव्य गुण पर्यादिक का व प्रमाण नयादिक का व अन्य मत के कहे तत्व आदि के निराकरण का कथन किया सो उनके अभ्यास में विकल्प विशेष होते हैं। अब क्या बहाना बनाता है? अब क्या कहता है कि द्रव्यात्म शास्त्र में तो बराबर है कि स्वपर की बात आती है, स्वपर के वेद विज्ञान की बात आती है, वो तो सब बराबर है, पर यहाँ जो द्रव्य गुण पर्याय की बात आती है, फिर क्या कहा? प्रमाण नयादि की बात आती है, और तीसरा क्या कहा? अन्य मत के तत्वादि का निषेध की बात, तो उन सब में उपयोग जाता है ना, तो विकल्प बहुत विकल्प हो जाते हैं, बहुत विकल्प। इसे द्रव्य के शास्त्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि विकल्प बहुत होते हैं। तो अब देखो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, उनसे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है। क्या कहा? सामान्य जानने से इसमें इसको विकल्प लगता है, सुना, इसमें इसको विकल्प लगता है, और पर पदार्थ जानने में आए उसमें उसको विकल्प नहीं लगता, पर इसमें इसको जानने से द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लगता है? बहुत विकल्प हो जाते हैं, इसकी रुचि नहीं ना, इसलिए कहता है यहाँ बहुत विकल्प होते हैं, और वहां रुचि है और इतने विकल्प हो तो भी चलता है, बराबर ना। अब देखो अंत में कह दिया, जो जो विशेष जानता है जो क्यों वस्तु स्वभाव निर्मल बाजी श्रद्धान दृढ़ होता है, नागाजी घटते हैं, इसलिए इसके अभ्यास में प्रवर्तन करना। तीन लाभ बताए, कौन से तीन लाभ? वस्तु स्वभाव संबंधी ज्ञान निर्मल होता है, दूसरा श्रद्धा दृढ़ होता है, तीसरा राग आदि घटते हैं। इसलिए अपने को द्रव्यांगों का अभ्यास करना चाहिए, खाली द्रव्यांगों का कि चारों योग का? चारों योग का, बराबर ना। इसलिए अपन को बता देना कि चारों योग में यहाँ पर पंडित जी ने दोष जिसने लगाए, दोषों की कल्पना करता है, इसके क्या कर दिया पंडित जी ने? निराकरण कर दिया, इसमें कोई भी दोष है नहीं, क्योंकि ये तीर्थंकर की वाणी है, ज्ञानियों की वाणी है, इसमें कहा कहीं पे भी रागादि का पोषण करने की बात नहीं है, और रागादि घटाने की ही बात है, वीतरागता का पोषण करने की बात है। इसे अपने जीवन में वीतरागता बढ़े, राग घटे, अपने निर्मल परिणाम निर्मल हो, विशुद्धि बढ़े, और अल्प काल में हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ।
एक अनाउंसमेंट है, सब सुन के जाए। एक अनाउंसमेंट है, कल एक रात का जो अभी का जो स्वाध्याय है ना, 8 से 9 का ये, तो इसमें एक विशेष स्वाध्याय होने वाला है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के ऊपर नहीं है, कल स्पेशली यंगस्टर्स के लिए एक अलग से विशेष स्वाध्याय लेने में आएगा। आप लोग को बहुत आनंद आएगा, मैंने सारे आप बहुए बेटियों सबको आप बोल देना, और कंपलसरी है कल 8 से 9 के स्वाध्याय में आने के लिए, बराबर ना। और 10 तारीख को ये मोक्षमार्ग प्रकाशक के ऊपर क्विज होने वाली है, जो एक प्रकरण रह गया है वो मैं कल दोपहर के स्वाध्याय में, जो अपने छोटे छोटे विषय ले ना, उसमें मैं कल दोपहर के स्वाध्याय में अंतिम जो विषय है ना, एक टॉपिक रह गया, वो मैं कल दोपहर के स्वाध्याय में लूंगी। और रात के स्वाध्याय में यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए एक विशेष स्वाध्याय रहेगा। और 10 तारीख को रात को कोई स्वाध्याय नहीं है, पर 8 से 9, 9:30 एक डेढ़ घंटे का ये क्विज का प्रोग्राम रहेगा। भक्ति करते करते अपन क्विज खेलेंगे, इसी मुख्य मामला।